घीसा, रेखाचित्र, खंडहर, अकारण, आकर्षण, संभवता, ईष्ट, क्षत विक्षत, लकुटी, निठल्ले, जिज्ञासु, उत्तरदायित्व, विभक्त, स्मृति, अस्थि पंजरमय, वैमनस्य, उद्विग्न, ईषत, अंगोछा, आदान प्रदान। महादेवी वर्मा द्वारा रचित घीसा एक ऐसे बालक का रेखाचित्र है जो उनका प्रिय व आज्ञाकारी छात्र था। उनके प्रत्येक आदेश का वह अवश्य पालन करता। घीसा की अबोधता, भोलापन तथा निस्वार्थ भावना लेखिका कभी भुला नहीं पाई। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग इसे मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध कहकर मुझ पर व्यंग कसते थे। लोग अपने इष्ट मित्रों से मिलने व आमोद प्रमोद में मग्न रहते, तो मैं अपना समय उस खंडहर और उसके क्षत विक्षत चरणों पर पछाड़े खाती, भागीरथी के तट पर सुख से काट देती। ग्वालों के बालक जो गाय भैंसों को बहकते देखकर लकुटी लेकर दौड़ पड़ते, गडरियों के बच्चे, दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के, इन सबको कुछ सिखाने का ध्यान मुझे आया। और फिर मेरे सभी विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। वे जिज्ञासु कैसे थे सो क्या बताऊं। ये बच्चे कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में, कुछ लंबे कुर्ते पहने, दुर्लभ और कमजोर दिखते थे। घीसा इन सबसे भिन्न था। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, स्मरण रखने, पुस्तक व स्लेट को चमचमाती रखने और अपने उत्तरदायित्व को बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। शनिवार को वह पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ की मजदूरी पर जाते ही पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतार कर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता। और इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। एक और अविस्मरणीय घटना है। मैंने बिना सोचे समझे, बिना उनके कपड़ों का कुछ प्रबंध किए, उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डाला। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कुछ गंगा जी में मुंह अवश्य धोआए और कुछ अपने कुर्ते घर ही छोड़कर अस्थि पंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे। पर घीसा इन सब में नहीं था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई है। घीसा कपड़े धो रहा है, गुरु साहब ने कहा है तो घीसा तो नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही आएगा। जब घीसा नहा कर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठा कर काम पर जाने लगी। इतवार को सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुंचते पहुंचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। मुल्लू के काका ने बताया कि शहर में दंगा हो रहा है, तो घीसा स्वयं को रोक नहीं पाया। गिरता पड़ता वह मुझे सचेत करने आया था और वह यह सोचकर आया था कि अब वह गुरु साहब को किसी तरह भी इन दंगे झगड़ों के दिनों में कहीं नहीं जाने देगा। जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न, कुछ सोच रहे थे कि पुस्तकें कैसे बचाएं बारिश से, चूहों से। तभी मुझे एक छोटा सा काला धब्बा मेरी ओर बढ़ते दिखा।
वह था घीसा। नंगे बदन, एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले, तरबूज के कटे भाग में से भीतर की ईषत ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी लगती थी। घीसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब क्या वह ये तरबूज चुरा कर लाया है? घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना, भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई? तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से थी। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ, और आज घीसा तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा, मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब ना ले तो घीसा रात भर रोएगा, ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। मैंने तरबूज लिया गीली आंखों से। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब पता चला कि घीसा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं रूह तक कांप उठी। आज भी मैं अन्य मलिन मुखों में उस अपने अबोध व प्रिय शिष्य की छाया ढूंढती रहती हूँ। घीसा नाम का वह साधारण सा बालक मेरे अंतस में एक गहरी छाप छोड़ गया था। लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। वे प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर भी कार्यरत रहीं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किए। सन 1987 में इनका निधन हो गया। महादेवी जी छायावादी कवियों में से थी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। निर्जा, निहार, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली अत्यंत ही सरल, स्पष्ट एवं चित्रात्मक है। शब्दार्थ, अकारण, बिना कारण, विभक्त, बटा हुआ, खंडहर, टूटा फूटा इमारत का भाग, ज्वर, बुखार, क्षत विक्षत, घायल, आदान प्रदान, लेन देन, शीतल पाटी, पतली चटाई, आमोद प्रमोद, मनोरंजन, जिज्ञासु, जानने को उत्सुक, संभवतः, शायद, अवकाश, छुट्टी, ईष्ट देव, आराध्य देव, मलिन, मैला, अस्थिर, चंचल, आकर्षण, खिंचाव, स्मृति, याद, वैमनस्य, मनमुटाव, उद्विग्न, आकुल, ईषत, थोड़ा, लकुटी, लाठी, गौड़, पैर।